हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग 10th का मैथ्स को पढ़ते हैं। पिछली कई क्लास में हम लोग कई वीडियोस में 10th का मैथ्स को देखे हैं, तो फटाफट शुरू करते हैं, 10th के मैथ्स को पढ़ते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4। चैप्टर 4 को शुरू किए थे हम लोग द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें से 4.1 4.2 को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। यदि नहीं समझ पाए तो कमेंट में जरूर कुछ लिखें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी तरह से उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है ठीक कर सकूं मैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4.3, जिसमें कि अभी तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे क्या कि जो समीकरण है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए उसमें पढ़ रहे थे गुणनखंड विधि। मतलब उसको गुणनखंड विधि करके हम लोग बनाते थे, परंतु अब जो बनाएंगे उसमें है चैप्टर में आपका क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड को हम लोग बनाने के लिए, तो पूर्ण वर्ग नाम से ही पता चलता है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया स्क्वायर, कोई भी संख्या स्क्वायर, 1, 2, 1, 4, 25, ऐसी संख्या। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नोट में एक बात लिख लेते हैं हम लोग। नोट में a+b² - b² ये चीज अप्लाई होगा, याद रखना है आप लोगों को। a+b² ये फॉर्मूला सबको पता है, क्या है फॉर्मूला? a+b² = a² - प्लस प्लस में है तो प्लस वाला हो जाएगा, माइनस में तो माइनस वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a+b² = a² - + 2ab + b²। इस चीज को याद रखना है। क्यों याद रखना है अभी हम बताएंगे। हम लोग अभी चलते हैं, हम लोग बात करेंगे इस पर कि इसको कहां अप्लाई किया जाता है फॉर्मूला में। तो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर का, 1 का 1 में कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है आपका 2x² - 7x, 2x² - 7x, 2x² - 7x +3 = 0, +3 = 0। तो इसमें से क्या है कि अब देखिए, ये फर्स्ट वाली संख्या को देखनी है। क्या करना है हम लोग फर्स्ट वाली संख्या को? क्या है फर्स्ट वाली संख्या? 2 है। 2 तो कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 को एक बार पढ़ते हैं 1 होगा, 2 को 2 बार पढ़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 को 3 बार पढ़ेंगे 9 हो जाएगा। तो ये संख्या को ध्यान रखना है, ये वाली संख्या को हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। हमें चाहे जिस तरह भी पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग तो ये 2 कैसे पूर्ण वर्ग बन सकता है? 2 से अगर 2 को गुणा करते 4 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मतलब पूरे समीकरण में किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। यदि नहीं तो इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा ना करके 2 से भाग भी तो दे सकते हैं। 2 से भाग दे देंगे 2 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, वो भी पूर्ण वर्ग। तो वही करते हैं, ज्यादा ही जी होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो है इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर देंगे, 4 कर देंगे फिर भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, या तो 2 से डिवाइड करके इसको 1 कर लेंगे तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 2 से समीकरण में भाग देने पर, 2 से अगर समीकरण में भाग देते हैं 2x² - 7x + 3 = 0 बाय 2 कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x² - 7x / 2 +3 = 0। अब देखिए ये संख्या कैसी बन चुकी है? पूर्ण। क्यों? 1 है, 1x² तो पूर्ण ही संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करना है? अब देखिए यहां पे अप्लाई होगा ये a+b² = a² + 2ab + b². अब इतना ये अप्लाई होगा, और इस पर ध्यान रखना है कि -b² देना है इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो a² क्या? a² + 2ab + b² a² का मतलब x² माइनस, यहां तो प्लस है, यहां फॉर्मूला में हमारे यहां क्या है? माइनस, तो माइनस, ये फॉर्मूला माइनस का आ जाएगा। तो -2, फॉर्मूले से 2, a के जगह में मात्र x है तो मात्र x,
बी के जगह में ऐसा क्या लिखेंगे जो 7/2 ही बचेगा? अगर हम 7/2 ही लिखते तो 2 और 2 कट जाएगा, बच जाएगा 7x, तो यहाँ तो 7x नहीं है, 7/2x है, तो ऐसा करेंगे 7/2x आना चाहिए, तो 7/4 याद रखना है, यहाँ पे नीचे वाले में डबल कर देना ताकि ये 2 से कटेगा, अगर 4 रहेगा तो यहाँ पे 4 लाना है तो 8 कर देंगे, क्यों 2 से कटेगा 8 तो 4 आ ही जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 करेंगे, क्यों 2 2 जा 4, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, दो बार में कट जाएगा 2, तो 7 को x गुणा कर 7x बटे 2 इतना आ जाएगा। चलिए ये फुलफिल कर रहा है इस रूल को, प्लस b का स्क्वायर, तो b के स्क्वायर पे हम लोग क्या लाए, b की जगह पे लाए 7/4 मतलब 7/4 प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला यहां से यहां तक हो गया, ये a प्लस b टू द होल स्क्वायर, तो ये सारा बन गया क्या a प्लस b टू द होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे बन गया। लेकिन अब कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, आप बुक पढ़ते हैं तो जरा इसका बेसिक पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन का वीडियो इसका नहीं बनाए, डायरेक्ट चैप्टर में चले हैं ताकि बच्चों को डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आने पर थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए, बुक उल्टा कर देख लीजिए कहीं आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ, बस ये इसलिए इस फॉर्मूले को मैंने पहले लिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो एक से ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है 7/4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है अपने क्वेश्चन में प्लस 3 है, प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0, तो इतना लिख दिए। अब इसको क्या करना है हम लोगों को, अब यहां से यहां तक ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो लिखेंगे a प्लस बी मतलब माइनस पे है, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूले पे, तो x माइनस b के जगह पे क्या है, या b के जगह यहां से देख सकते हैं 7/4 टू दी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर के बाद ये हो जाएगा आपका 7 को 7 से गुना कीजिए मतलब 7 7 = 49 मतलब 7 7 49 4 4 16 और यहाँ पे 7 7 49 ये यहाँ से तो हो गया माइनस 7 7 49 4 4 16 अब प्लस तीन बराबर 0 इतना हो गया आपका। तो देख लीजिए यहाँ से a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस बी का होल स्क्वायर 7 7 49 कितना हो गया 3, ठीक है 3 3 और यहाँ एक चीज हम लोग लिखने में भूल किए, देख लीजिए फिर से ये 7/2 यहाँ पे अगर 2 आया था तो यहाँ पे भी 2 आता, तो यहाँ पर भी क्या आता 2 आता, फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए अच्छे से देख लीजिए, तो बराबर कितना हो गया 0, तो यहां पे भी हम लोग क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है 2 फिर से देख लीजिए, तो यहां से 2 से डिवाइड किया था, 2 से 2 बन जा 2 कट गया, बच गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस 7, यहां 7/2 तो कटता नहीं है इसलिए 7/2 ही बच गया, यहां 3 के साथ भी 2 है तो ये 3 के साथ भी 2 है कटता नहीं है तो 3/2 बच गया, तो ये वही 3/2 यहां नोट कर लिए, 3/2 यहां नोट कर लिए। अब यहां जो माइनस में वो उधर प्लस में चले जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में चले जाएगा, तो इसको हम लोग पुनः कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 7/4 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में जाके प्लस में हो गया 49/16, जो प्लस में है वो माइनस में जाकर 3/2, अब क्या करना है वहां पे घटाना है, तो यहां पे लिखना है फटाफट एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बटे 16 को 16 से भाग दिया 49 से गुणा किया 49, 16 को 1 से भागा दिया, 16 को 2 से भागा दिया कितना हो गया 8 दिया 24, 49 घटा 24 तो एक्स माइनस 7/4 एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16 यहाँ पे अब इसका स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट हो जाएगा, एक्स माइनस 7/4 का स्क्वायर हटता है उस पर रूट हो जाएगा, रूट होने का मतलब है क्या 25/16 का रूट अंडर है, अब उस रूट अंडर का मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, जब भी वर्गमूल होता है वो तो या तो प्लस में होता है या तो माइनस में, उसके साथ हम प्लस माइनस चिन्ह लगा सकते हैं, माइनस 7/4 बराबर 25 4 4 16 तो 5/4 हो गया। अब ये किस में हो गया, प्लस में भी हो सकता है या तो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है, जब इसको एक बार प्लस मिलेंगे तो क्या आएगा, एक बार माइनस मिलेंगे तो क्या आएगा, जब क्या लिखेंगे एक्स माइनस 7/4 बराबर प्लस में 5/4 हो तो क्या होगा, माइनस से उधर के प्लस में हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 5/4 आपका पहले से उधर है, इधर से 7/4 जाएगा माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा 7/4 एलसीएम हो जाएगा 4 और 5 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 12/4 3 चौके 12 तो यहाँ पे निकल गया x बराबर आपका कितना 3, जब ये नहीं हो करके क्या x, अब यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि ये प्लस में ना हो करके माइनस में हो,
क्या हो, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस सात बटे चार, एक्स माइनस सात बटे चार बराबर, ये प्लस में ना होकर के माइनस में हो, माइनस पांच बटे चार, माइनस पांच बटे चार, तो ये माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में, माइनस पांच बटे चार प्लस सात बटे चार, एक्स बराबर एलसीएम लेंगे चार, माइनस पांच होगा प्लस सात होगा, तो एक्स बराबर सात में से पांच गया, कितना बचता है, दो बटे चार, दो एक कम दो, दो दुनी चार, एक्स बराबर कितना आ गया, एक बटे दो। अतः इसका देख लीजिए बच्चों मूल कितना हो गया, अतः अतः एक्स बराबर, एक्स बराबर कितना आया है यहाँ पे, पहले तीन आया है, गुड, आपका आंसर तीन, यहाँ पर आंसर हो गया एक बटे दो। चलिए बच्चों इस पर ध्यान दीजिए कि आपका ये मूल ज्ञात हो गया, किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात हो गया। बच्चों इसका आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ। चलिए मुझे उम्मीद है आप ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, या तो मेरे ख्याल से आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से देखिए, रिमाइंड करके देखिए, उस पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं हमारे कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपकी समस्या का निदान कर सकूं, कोशिश कर सकूं, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, जो भी हमारे मित्र नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं पहले से तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फिर अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ मैं मिलता हूं आपसे। यह चमन कुमार का मतलब, मैं चमन कुमार आप लोगों के सामने, चमन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास जो यूट्यूब पर ट्रिपल सी ट्यूटोरियल के नाम से है, ट्रिपल सी ट्यूटोरियल ऑनलाइन ज्ञान, ठीक है, मैं चमन कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, पढ़ाई जारी रखिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।